भाइयों और बहनों, 2024 का ये चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है, देश के भविष्य को सुनिश्चित करने का चुनाव है, आपकी आने वाली पीढ़ी के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला ये चुनाव है। ये चुनाव आने वाले 5 साल में भारत को दुनिया की बड़ी शक्ति बनाने का चुनाव है। आप देख रहे हैं कि दुनिया में कैसे युद्ध के बादल छाए हैं। जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हो, तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। आप मेरी बात से सहमत हैं? आप मेरी बात से सहमत हैं? ऐसे समय मजबूत सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किसी भी परिस्थिति में भारत की रक्षा करे ऐसी सरकार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और ये काम पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार ही कर सकती है। जरा एसपी जी, वो बच्चा एक बेचारा फोटो लेकर के आया है और लंबे समय से हिला रहा है, उसको कहले के उसके पीछे पता लिख देना बेटा, मेरा चिट्ठी आएगी तुझे, तुम अपना नाम पता लिख देना उस पर, अपना नाम पता लिख देना और एक कैमरामैन को दे दो उनको। हाँ, और फिर आराम से बैठो, फिर आराम से बैठो, कब से हाथ ऊपर करके थक जाओगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। साथियों, स्थिर सरकार कैसे देश और देशवासियों के हित में काम करती है, ये हमने बीते वर्षों में देखा है। कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, मजबूत भाजपा सरकार पूरी दुनिया से हर भारतीय को सुरक्षित भारत वापस ले आई। भाजपा ने करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा दी। भाजपा सरकार ने करोड़ों भारतीयों को मुफ्त वैक्सीन लगाई। आज देश में वो भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी से जो सामने झुकती है। हमारा सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम। भारत को सस्ता तेल मिले इसलिए हमने देश हित में फैसला लिया। भारत के किसानों को पर्याप्त खाद मिले इसके लिए हमने देश हित में फैसला लिया। भाई, एक और सज्जन भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं, जरा उनकी तरफ भी देखिए। ये आप लोगों का प्यार ऐसा है कि मैं आपको मना नहीं कर सकता हूं। वो तो मेरी माता जी की फोटो बना के ले आए हैं। बहुत सुंदर बनाए हैं भाई, बहुत सुंदर बनाया आपने। अपना नाम पता लिख करके दे देना मुझे,
आज दुनिया के कितने ही देशों की स्थिति बहुत खराब है, कई देश दिवालिया हो रहे हैं, हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। यहां के मतदाता बड़े समझदार है, मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया लेकिन आपको बात पहुंच गई। ऐसे हालातों में हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। मुझे बताइए, आज जो भारत आगे बढ़ रहा है इससे आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाथ ऊपर करके सबके सब बताएं, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, आपको गर्व हो रहा है? आप अमेरिका में भी भारत की वाह वाह रही हो रही, आपको गर्व हो रहा है? आज विश्व के हर देश में भारत के जय जयकार हो रहा है, आपको गर्व हो रहा है? ये किसने किया, ये किसने किया, किसने किया, किसने किया, किसने किया? अरे आपका जवाब गलत है, ये मोदी ने नहीं किया, ये जो हुआ है ना वो आपके एक वोट की ताकत के कारण हुआ है। ये आपने किया है, आपके एक वोट ने करके दिखाया है। आपका ये उत्साह साफ साफ कह रहा है, फिर एक बार आवाज जोर से आनी चाहिए, फिर एक बार, फिर एक बार।